हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब तक आपने देखा आरडी शर्मा की लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 10.1 के हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेंगे। और ये पेज नंबर है 10.7। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर। तो यहां पर आपको समझना है कि जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे आपको यहां पर बोला गया है एन एंगल, ठीक है, तो एंगल का क्या मतलब है, यानी कि आपको एंगल यहां पर गिवन नहीं है तो आप क्या कर लोगे, उसको लेट कर लोगे। ठीक है, लेट से एक्स डिग्री, 14 डिग्री आपको एक गिवन है, ठीक है, 14 डिग्री आपको गिवन है, ओके। उसके बाद क्या करना है, मोर आपको गिवन है। ये कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, मोर, मोर का मतलब है प्लस, प्लस आपको यूज करना है। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसका बोला गया है, जो आपका एक्स डिग्री एंगल है, ठीक है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 माइनस एक्स, ओके। तो एक्स इसको माइनस करेंगे 90 में से तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो चलिए इसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं इक्वेशन लिख देता हूं, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 डिग्री, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को यूज किया है, एक्स डिग्री, ठीक है, जिस एंगल को हमने एक्स माना था उसको मैंने यहां पर लिख लिया है। उसके बाद 14 डिग्री को मैंने यहां पर लिख लिया है, और उसके बाद मोर, ठीक है, ये जो प्लस का सिंबल है वो यहां पर यूज कर लिया, और कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री आपका यहां पर यूज कर लिया। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन कैसे बन के आई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनी है, ठीक है। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन एन एंगल, ठीक है, ये जो एंगल हमने लेट किया था, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर, 14 डिग्री मोर, तो प्लस का सिंबल भी आ गया, 14 डिग्री भी आ गया, ठीक है, यानी ये जो एंगल है आपका जो लेट किया था वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है, 14 डिग्री ज्यादा है, ओके, आगे बात समझ में। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2x, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 76, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 38 डिग्री, ओके। तो ये जो एंगल है आपका वो कितना होगा, 38 डिग्री। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है, सिंपली जो स्टेटमेंट है उसके कीवर्ड्स को पहचानना है और उसको इक्वेशन की फॉर्म में आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको कीवर्ड समझ में आ गए तो आप इक्वेशन को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं और उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। तो बच्चों, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर्स गिवन नहीं होते, डिजिट्स गिवन नहीं होती, इक्वेशन आपको गिवन नहीं होती है, सिर्फ थ्योरी आपको गिवन होती है, वहां से आपको इसको अंडरस्टैंड करके, इसको डिकोड करके, ठीक है, कीवर्ड्स को पहचान के आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो यहां पर आपको जो स्टेटमेंट है सबसे पहले तो वो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, और फिर उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप लिख लें एक जगह, ठीक है, लिखने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा उसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना। तो जैसे यहां पर आपको ये एंगल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट दिस एंगल इज एक्स डिग्री, ओके, आप मान लेंगे। और यहां पर दूसरी बात क्या बोली गई है आपको, एंगल इज ट्वाइस, यानी कहीं ना कहीं ट्वाइस हुआ है, यानी मल्टीप्लाई हुआ है, ओके, मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद क्या बोला गया है, मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री यानी इसका सप्लीमेंट्री, ओके, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। तो यहां पर मोटी मोटी बात आपको ये बोली गई है, ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो चलिए यहां पर अब समझते हैं कि किस तरीके से आप जो है इन कीवर्ड्स को इक्वेशन की फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि ये मैंने कैसे लिखी है। तो ये है आपकी इक्वेशन, और एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं और फिर मैं आपको साथ के साथ समझा देता हूं कि इस इक्वेशन को कैसे मैंने डेवलप किया है। द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ एन एंगल, इसका मेजर इज, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू, और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका इसका मतलब इक्वल टू ही होगा,
इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या सेंस बनता है उसका, ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आता है उसके ऊपर आपको करना है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका यहां पर इसका मतलब इज इक्वल टू हम यूज करते हैं। यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सेंस बनता है यहां पर, ठीक है। अगर सेंस नहीं बनता है तो हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी इस एंगल का ट्वाइस सप्लीमेंट्री एंगल का, ओके, इसके सप्लीमेंट्री एंगल का। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री और इसका ट्वाइस। तो ये आपकी इक्वेशन हो चुकी है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। ट्वाइस बोला गया है, ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसका दो गुना। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 3x और यहां पर आ जाएगा आपका 360 डिग्री और ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 120 डिग्री, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं लेवल टू की, क्वेश्चन नंबर है 13। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो चलिए सबसे पहले हम उन कीवर्ड्स को लिख लेते हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज किए गए हैं। जैसे यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है, ठीक है, तो मैं यहां पर इस कॉम्प्लीमेंट को लिख लेता हूं, ठीक है। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर उसके बाद यूज किया गया है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यूज किया गया है तो सप्लीमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा किसी भी एंगल का, 180 डिग्री माइनस एक्स, ओके, इतनी बात आ गई समझ में। ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, यानी कहीं ना कहीं थ्री से मल्टीप्लाई किया गया है, थ्राइस ऑफ इट, ठीक है, किसका थ्राइस है वो हम देखते हैं। तो चलिए यहां पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, थ्री यहां पर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है कैसे डेवलप होके आई है, ये जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, यहां पर बोला गया है साफ साफ जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसका तीन गुना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, ओके, इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, सप्लीमेंट के, ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, किसका थ्राइस ऑफ इट, इस कॉम्प्लीमेंट एंगल का, 90 माइनस एक्स का तीन गुना, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ओके। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 270 माइनस 3x और यहां पर आपका 180 माइनस एक्स आ जाएगा और यहां पर आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा 270 माइनस 180 इज इक्वल टू 3x और ये हो जाएगा माइनस एक्स आपका, ओके, और ये आपका आ जाएगा 90 देन 2x और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 2 और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको ये जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो चीजें हैं समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप एक या दो प्रॉब्लम करके बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैंने कर लिया, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि फ्यूचर में स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती रहती है ना। क्वेश्चन की अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं तो हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो एक या दो किए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप पढ़ोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है और इक्वेशन की फॉर्म में कैसे इनको कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो सबसे पहले आपको देखना है जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कीवर्ड्स। यहां पर सबसे पहला यूज किया गया है सप्लीमेंट, ओके। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, 180 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आपका पहला कीवर्ड हो गया। ऑफ एन एंगल इज थ्री टाइम्स, यानी यहां पर भी तीन गुना किया गया है, थ्री टाइम्स किया गया है, थ्री से मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हुआ है। थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी आपका यूज किया गया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया गया है, तो 90 माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा। फाइंड द एंगल, तो आपको एंगल वो फाइंड करना है।
तो चलिए यहां पर इसकी जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले बोला गया है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, तो सप्लीमेंट हम यहां पर लिख लेते हैं 180 माइनस एक्स इज थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, थ्री टाइम्स है, तीन गुना है, किसका, कॉम्प्लीमेंट का, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप दोबारा से जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लीजिए, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट के तीन गुना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, और 270 माइनस 180 90 आ जाएगा आपका, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 2, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों, सौ बात की एक बात ये है कि आपको जो कीवर्ड्स है, जो थ्योरी आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहां पर कोई भी नंबर्स एज सच बहुत ज्यादा गिवन नहीं होते हैं, तो आपको स्टेटमेंट को समझकर अंडरस्टैंड करके ही जो है आपको इक्वेशन बनाना है। तो अपने दिमाग का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक तो करना ही करना, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।